आर आईपीएस माने जाने वाले मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार की पत्नी ज्योत्सना ने शनिवार को पुलिस लाइन में रहने वाले तमाम पुलिस वालों के परिवारों की महिलाओं की एक बैठक ली, जिसमें उनकी समस्याएं जानी और उनके निवारण की समीक्षा की। मथुरा के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार की धर्मपत्नी ज्योत्सना ने पुलिस लाइन परिसर में रहने वाले पुलिस परिवारों की महिलाओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने उन्हें स्वरोजगार के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की महिलाओं में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि आवासीय परिसर के ब्लॉकों में बिजली, पानी अथवा भवन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सके ताकि उनका सही से निराकरण किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उनके परिवारों को दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी उनको बताया गया है, जिससे वे जागरूक होकर अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दिला सकें, जिम का सही सदुपयोग कर सकें, उचित लाभ ले सकें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम परिवार कल्याण समिति के माध्यम से आयोजित किया गया है। ये हम लोग परिवार कल्याण केंद्र की तरफ से पुलिस की महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग देने वाले हैं, ये सब बात करने के लिए बुलाए हैं यहाँ पे। और हम लोग इन सबके समस्याएं सुने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं। जैसे हम लोग PMS बहुत अच्छा करा रहे हैं, हम लोग सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब अपने बच्चों को PMS में भेजें। और बाकी हम लोग ब्लॉक्स का बहुत अच्छा सुंदरीकरण करा रहे हैं, सारा जो भी डैमेज्ड ब्लॉक्स है सब अच्छा करवाने जा रहे हैं। और जो भी इन लोगों की समस्याएं हैं, जैसे पानी का समस्या है, सब चीज़ों का समस्या हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इन सब लोगों को बुलाए हैं हम। विशेष क्या बिंदु रहा है इसमें? इसमें विशेष बिंदु ये है कि महिलाओं को तो प्रोत्साहित करें, थोड़ा बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस का, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हम लोग ले जा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस हम लोग करवाने वाले हैं, ताकि विंटर हॉलीडेज आने वाले हैं, हम इसमें कंप्यूटर क्लासेस, डांस क्लासेस और कढ़ाई बुनाई जो भी, और महिलाओं के लिए भी हम लोग डांस क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और जिम है, जिम में भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं लेडीज़ को, ज़्यादातर जिम जाए, अपना मानसिक और शारीरिक फिटनेस पे ध्यान देने के लिए। और सफाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम, स्वच्छता अभियान पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हर एक ब्लॉक को हम लोग बजाए हैं, जो भी ब्लॉक में सुंदर रखेंगे हम उस ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक एक सेलेक्ट करके उसको हम लोग प्राइज मनी भी देंगे। और जो जो अपने घरों के पास साफ सफाई रखेंगे उसमें 3 prizes भी देने वाले हैं। तो इसमें ये सब इन लोगों की जागरूक करने के लिए हैं, सब अपने एक दूसरे के साथ मिल के सफाई रखने की कोशिश करने की हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रतिमा बैठक होगी मैम या आज? हाँ, हम हर 15 days में ये बैठक कर रहे हैं, और अभी इस बार हो गया, फिर से 15 days के बाद फिर से इन लोगों की समस्याएं सुनेंगे, क्या 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 सॉल्व हुए हैं उसका भी हम नोट करेंगे, क्या क्या सॉल्व नहीं हो पाए हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे।